सेवानिवृत्त कर्मचारी त्रिवेणी नक्के और उसका बेटा पीकू मारवे ने कार्यालय में आकर गंदी गंदी गाली गलौज करने पर हिंगनघाट नगर पालिका कर्मचारियों ने आज लेखनी बंद आंदोलन शुरू किया है। उपरोक्त सेवानिवृत्त कर्मचारी बार बार आकर कार्यालय में आकर हुड़दंग मचाते हैं, जिस पर कार्रवाई नहीं की जाती है। उन्होंने 15 सितंबर को फिर से कार्यालय में आकर लेखा विभाग में चक्र शोर शराबा मचाया और अश्लील गाली गलौज की, जिस वजह से कार्यालयीन कामकाज करने में भारी दिक्कतें हो रही है। हैरत की बात यह है कि उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है, जिस वजह से वे बार बार आकर कार्यालय में धूम मचाते हैं, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं होने से वे निडर होकर कार्यालयीन कर्मचारियों को परेशान करते हैं। कल उन्होंने कार्यालय में आकर गाली गलौज के साथ तोड़फोड़ करने की कोशिश की, जिस वजह से कर्मचारियों को कामकाज करने में भारी दिक्कत आ रही है। इस हुड़दंग से कर्मचारियों को कार्यालय में कामकाज करना मुश्किल हो रहा है, जिस वजह से उन्होंने लेखनी बंद आंदोलन शुरू कर दिया है। उपरोक्त माँ बेटी पर कार्रवाई नहीं की गई तो लेखनी बंद आंदोलन को आगे भी करने का इशारा दिया गया है। त्यामुळे सगळ्या कर्मचाऱ्यांची अशी मागणी आहे की जोपर्यंत त्रिवेणी नक्के आणि तिचा जो मुलगा आहे त्यांच्यावरती कुठलीही कार्यवाही होत नाही, तोपर्यंत कुठलेही कर्मचारी काम करणार नाही। 9 तारखेला सफाई कर्मचाऱ्यांना सातवे वेतनचा पहिली किस्तेमधला अर्धा रक्कम देण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला होता। त्या संदर्भात दिनांक 9/7/9 व दिनांक 15/9 त्रिवेणी प्रेमलाल नक्के व पिंकू मारवे यांनी कार्यालयात दारू पिऊन येऊन अश्लील भाषेत शिवेगा कर्मचाऱ्यांना अधिकाऱ्यांना अश्लील भाषेत शिवेगा करून व खुर्ची उचलून संगणक तोडण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यामुळे सगळ्या कर्मचाऱ्यांनी एक दिवसाचा लेखनी बंद आंदोलन केलेला आहे। BCN न्यूज के लिए हिंगनघाट से रवी येनोरकर की रिपोर्ट।